Good morning, everyone. Today, this is our 7th chapter of Basic English Grammar, and the topic is adjective and degree of comparison. So, first of all, we will understand what is adjective. Adjective hota kya hai? Adjective in Hindi it is called visheshan. Visheshan naam to aapse aap parichit honge visheshan se. Visheshta batane wale. Kiski visheshta batate hain ye? Noun aur pronoun ki. Kiski visheshta batate hain? Noun aur pronouns ki. So words that are that qualify or describe noun or pronoun or add something to the meaning of a noun or pronoun are called adjectives. तो ऐसे शब्द जो क्वालिफाई करते हैं या डिस्क्राइब करते हैं किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में, जो या नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताते हैं कि वो कैसे हैं, वो अच्छे हैं, वो बुरे हैं, जो उसके बारे में कमेंट करते हैं और उनके बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमें देते हैं, तो ऐसे शब्द जो होते हैं वो इंग्लिश भाषा में, अंग्रेजी भाषा में एडजेक्टिव कहलाते हैं और हिंदी में इनको बोला जाता है विशेषण. अंडरस्टैंड, लेट्स अंडरस्टैंड इट इन नीतू देवी स्टाइल. कैसे समझेंगे? इमेजिन करो आपके फ्रेंड, किसी भी अपने फ्रेंड को इमेजिन करो और सोचो आपके उस दोस्त में, या फिर कोई भी ऐसा पर्सन इमेजिन करो जिसे आप बहुत अच्छे से जानते हो, मे बी योर फादर, मे बी योर मदर, मे बी योर सिस्टर, मे बी योर ब्रदर. तो उसको इमेजिन करो, आंखें बंद करके अपने आंखों के सामने लेकर आओ और सोचो उसके बारे में. अब सोचो वो कैसा कैसा है, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन ही और शी इज, किस प्रकार का आदमी है वो. जो वर्ड आप उसके आगे लगा सकते हो ना, वो सारे वर्ड्स एडजेक्टिव होंगे. सपोज योर फ्रेंड और ब्रदर, मे बी वो हो सकता है टॉल हो, मे बी शॉर्ट हो, है ना, मे बी फैट हो, मे बी थिन हो, मोटा होगा, पतला होगा, मे बी एन इंटेलिजेंट बॉय हो सकता है वो, मे बी फुलिश, मे बी लेजी, मे बी एक्टिव, मे बी रिच, मे बी पोलाइट, मे बी ऑनेस्ट, मे बी डिसऑनेस्ट. तो इनमें से कोई भी क्वालिटी उसके अंदर हो सकती है. तो आप क्या लिखेंगे? सपोज मेरा दोस्त है राम, तो मैं कह रही हूँ राम इज़ अ टॉल बॉय, या छोटा है तो मैं लिखूँगी राम इज़ अ शॉर्ट बॉय, राम इंटेलिजेंट है तो मैं लिखूँगी ही इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय, ही इज़ अ फुलिश पर्सन, ही इज़ लेजी और ही इज़ एक्टिव. अंडरस्टैंड? रिच है तो रिच बता देंगे, अगर पुअर है तो वी विल टेल दैट ही इज अ पुअर मैन, पोलाइट है तो पोलाइट बता देंगे, इफ ही इज रूड देन वी विल से राम इज रूड, या ही इज अ रूड पर्सन. तो ऑनेस्ट है, ही इज एन ऑनेस्ट पर्सन, और अगर ऑनेस्ट नहीं है तो ही इज अ डिसऑनेस्ट पर्सन. सिंपल. तो ऐसे वर्ड्स जो हमें किसी भी नाउन या किसी भी प्रोनाउन के बारे में इन्फॉर्मेशन देते हैं कि वो व्हाट काइंड ऑफ, किस प्रकार का है, तो वो वर्ड्स हमारे कहलाते हैं एडजेक्टिव्स. आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा. नाउ सी, अब इमेजिन कीजिए नॉन लिविंग थिंग्स को. सपोज हम किसी पिक्चर के बारे में बात करते हैं, या फूड के बारे में बात करते हैं, क्वेश्चन के बारे में करते हैं, एक्सरसाइज के बारे में करते हैं, तो अब हम ये तो नहीं कर सकते ना फूड टॉल फूड, शॉर्ट फूड, इंटेलिजेंट फूड, फुलिश फूड. तो इनके लिए हम अलग प्रकार के, अलग तरह के विशेषण यूज़ करते हैं. क्या वर्ड हो सकते हैं बताइए आप? इन्फॉर्मेशन देनी है तो कैसे कमेंट करेंगे हम इनके बारे में, अगर हमें इन्फॉर्मेशन देनी है तो. फूड कैसा हो सकता है? फूड में भी टेस्टी, फूड में भी गुड, फूड में भी बैड, फूड में भी इनफ फूड, पर्याप्त भोजन है, मच फूड, लेस फूड, फूड खाना कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, पर्याप्त हो सकता है, अच्छा हो सकता है, बुरा हो सकता है, वेरी टेस्टी, बहुत अच्छा भी हो सकता है, बहुत टेस्टी हो सकता है, वेरी डिलीशियस. तो दीज वर्ड्स आर एडजेक्टिव्स. अब अगला देखिए, जैसे हम क्वेश्चन की बात करते हैं तो क्वेश्चन में भी फर्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, या ऑल क्वेश्चन, है ना. अब ये तो नहीं हो ना फैट क्वेश्चन, टॉल क्वेश्चन, तो दैट कैन नॉट बी. तो हमें बड़े ही वाइजली, बड़े ही ध्यान से, बड़ी समझदारी से एडजेक्टिव्स को यूज़ करना होता है कि कौन सा शब्द किसके आगे सही जचता है. अंडरस्टैंड? तो क्वेश्चंस में भी फर्स्ट, फिफ्थ, सेवरल, मैनी, फ्यू क्वेश्चंस हो सकते हैं. मैनी मीन्स बहुत सारे और फ्यू मीन्स बहुत कम. अब बिल्डिंग के बारे में डिस्कस करें तो विच एडजेक्टिव वी विल यूज़?
जैसे कि दिस बिल्डिंग दैट बिल्डिंग। दिस का मतलब होता है नज़दीक की चीज़ को हम पॉइंट आउट करते हैं, कहते हैं भाई ये बिल्डिंग है। और दैट बिल्डिंग मीन्स दूर से हम किसी बिल्डिंग की तरफ पॉइंट करते हैं, इशारा करते हैं और बताते हैं दैट बिल्डिंग। विच बिल्डिंग हम पूछते हैं कौन सी बिल्डिंग, तो ये भी एडजेक्टिव है। अब हम बात करते हैं पोजीशंस कहाँ होती हैं, कहाँ पर हम ढूंढें एडजेक्टिव को। एडजेक्टिव को ढूंढने से पहले आपको आना चाहिए कि नाउन और प्रोनाउन को ढूंढना कैसे है हमें। आपको अगर पता है कि नाउन किसे कहते हैं, अगर आपको पता है प्रोनाउन किसे कहते हैं, देन यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज एडजेक्टिव। इंग्लिश ग्रामर में सारी चीज़ें आपस में जुड़ी हुई होती हैं, आपको सब चीज़ों को एक साथ लेकर चलना पड़ता है। तो आप देखिए, बिफोर द नाउन और आफ्टर द नाउन, एडजेक्टिव में भी बिफोर द नाउन और एडजेक्टिव में भी आफ्टर द नाउन। कैसे? नाउन क्या होता है? नेम। अब मेरे हाथ में ये पेन है, दिस इज नाउन। मेरा हैंड है, दिस इज नाउन। मैं खुद हूँ तो मैं भी एक नाउन हूँ, मेरा भी एक नाम है ना। लेकिन अगर मैं अपने नाम की जगह पे अपने आप को यूज़ करती हूँ आई, तो वो क्या है? प्रोनाउन। अगर मैं इस पेन को पेन लगा के कहती हूँ इट इट इज़ ऑफ वाइट कलर या इट इज़ ऑफ ग्रीन कलर, देन इट इज़ यूज्ड फॉर पेन। पेन के लिए मैंने क्या शब्द यूज़ किया? इट का यूज़ किया। तो इट जो है हमारा प्रोनाउन है। समझ में आ रहा है बच्चों? तो प्रोनाउन और नाउन से पहले भी हो सकता है और उसके बाद भी हो सकता है। कैसे हो सकता है? देखिए एग्जांपल से, एन ईजी क्वेश्चन। अब क्वेश्चन जो है एक नाउन है, एक प्रकार के सेंटेंस होते हैं जिसको बोलते हैं क्वेश्चन, जो हमसे कुछ ना कुछ पूछ रहा होता है। तो वो कैसा है? कैसा क्वेश्चन? ईजी क्वेश्चन। तो दिस वर्ड इज एडजेक्टिव। अब यहाँ पर ये नाउन से पहले आ गया। सेम देखो, दिस क्वेश्चन इज ईजी। अब इसी बात को हमने बता दिया कि यह जो क्वेश्चन है वो बहुत ईजी है। क्वेश्चन को क्वालिफाई किया जा रहा है, क्वेश्चन बताया जा रहा है कि किस प्रकार का प्रश्न है ये प्रश्न जो है बहुत ही आसान है। तो यहाँ भी ये भी एडजेक्टिव है और यहाँ पर ये भी एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव की पोजिशन आपको पता चल गई। अब हम जानते हैं डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव के बारे में। तो अब हम सीखेंगे एडजेक्टिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन। तो दोस्तों, हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, क्योंकि मेरा मोटिव जो है आपको सिखाना है, आपको पढ़ाना है, केवल यूट्यूब पे वीडियो बनाकर डालना नहीं है। तो अगर आप इसको लास्ट तक देखना है आपको अच्छी तरह से, और इसकी हर पॉइंट को नोट करते हुए इसको अच्छे से समझना है, ठीक है? तो अब देखिए, आगे बढ़ते हैं। एडजेक्टिव्स और डिग्री ऑफ कंपैरिजन। अब देखिए, डिग्री ऑफ कंपैरिजन, एडजेक्टिव्स जो होते हैं उनकी कुछ डिग्रीज होती हैं। आपने सुना होगा राम इज़ डूइंग बेटर और ही इज़ द बेस्ट बॉय। अब ये बेटर, बेस्ट, गुड होते क्या हैं, ये हम आज जानेंगे। डिग्री क्या कहलाता है? डिग्री होता है लेवल, और डिग्रीज किसकी होती हैं? कंपैरिजन जब हम करते हैं, कंपेयर करना मतलब तुलना करना। जब हम दो चीज़ों के या दो से ज़्यादा चीज़ों के बीच में आपस में कंपेयर करते हैं, भाई कौन अच्छा है, कौन बुरा है, वो उससे ज़्यादा अच्छा है, वो सबसे अच्छा है, तो इस तरह के कंपैरिजन में हम एडजेक्टिव्स की डिग्री को यूज़ करते हैं। क्योंकि एडजेक्टिव तो हमें विशेषता बताते ही हैं, और अब उनकी विशेषता कितने विशेष हैं वो, उसके लेवल को डिग्री के द्वारा कंपेयर किया जाता है। तो अब देखिए एग्जाम्पल, जैसे एक लड़का है राम। राम इज़ ए टॉल बॉय। राम एक लंबा लड़का है, ठीक है? यहाँ पर ये हमारा जो टॉल है ये बताता है कि ये एक ऐसा लड़का है, ये एक लंबा लड़का है। अब देखिए यहाँ पर, मोहन इज टॉलर देन रमेश या राम। मोहन जो है वो राम से ज़्यादा लंबा है। अब हमने सेकंड सेंटेंस में हमने यूज़ किया कंपैरिजन, हमने मोहन और राम को कंपेयर कर लिया है। क्या किया है हमने? हम मोहन की कंपैरिजन राम के साथ कर रहे हैं, और राम क्या है? राम छोटा है इससे, तो हम कहेंगे मोहन इज टॉलर देन राम। तो ये हमारी कहलाती है कंपैरेटिव डिग्री, ये हमारी थी पॉजिटिव डिग्री। इसमें हमने कोई कंपैरिजन नहीं की, हमने सिंपल बताया कि राम कैसा लड़का है, राम एक लंबा लड़का है। अब राम की तुलना हमने मोहन से कर दी, यानी जब दो व्यक्तियों की, दो चीज़ों की या दो व्यक्तियों की तुलना की जाती है, देन वी यूज़ कंपैरेटिव डिग्री। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? और कंपैरेटिव डिग्री में हमेशा दूसरा व्यक्ति या दूसरी चीज़ जिससे तुलना की जा रही है उससे पहले टी एच ए एन देन का यूज़ होता है। देन, इस देन का मतलब होता है की बजाय, यानी राम की बजाय मोहन जो है वो लंबा है। अंडरस्टैंड? नाउ सी द थर्ड सेंटेंस, विजय इज द टॉलेस्ट ऑफ द थ्री।
अब इन तीनों की अगर बात करें, राम, मोहन और विजय, अगर ये तीनों की बात करें तो तीनों में से सबसे लंबा कौन है? तो द टॉलेस्ट वर्ड शोज दैट विजय इज द टॉलेस्ट, जो सबसे लंबा है उसके आगे कहेंगे हम टॉलेस्ट ऑफ थ्री। अब ये थ्री भी हो सकता है, ये फोर भी हो सकता है, ऑफ ऑल भी हो सकता है, यानी दो से ज़्यादा के बीच में जब कंपैरिजन की जाए तो जो सबसे ज़्यादा है वो उसके आगे सुपरलेटिव डिग्री, सुपर यानी सबसे ऊपर, तो सबसे ज़्यादा चीज वाला है, सबसे ज़्यादा क्वालिटी वाला है वो यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री में आ जाएगा। और सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा आर्टिकल द का प्रयोग होता है, अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? कंपैरेटिव डिग्री के बाद टी एच एन देन का प्रयोग होता है, जबकि सुपरलेटिव डिग्री के से पहले हमेशा वी विल यूज द आर्टिकल द। नाउ सी पॉजिटिव और एब्सोल्यूट डिग्री, अब इन तीनों में से बताइए पॉजिटिव डिग्री कौन सी थी? दिस वन, राम इज ए टॉल बॉय, तो यहाँ पर ये जो टॉल है दैट इज पॉजिटिव डिग्री, इसमें कोई कंपैरिजन नहीं किया जा रहा किसी के साथ, सिंपल राम के बारे में बताया जा रहा है। दूसरा क्या है? कंपेयरिंग टू persons और थिंग्स, अब दूसरी जो थी कंपेरेटिव डिग्री क्या कर लेती है, करती है हमें दो आदमियों के बीच में या दो चीज़ों के बीच में आपस में तुलना करवाती है, उन दोनों को कंपेयर करके देखते हैं हम कौन सा ज़्यादा बेटर अच्छा है, कौन सा बुरा है, या कौन सा टॉलर है, कौन सा रिचर है, कौन सा यंगर है, कौन सा शॉर्टर है, इस तरह से। और कंपेयरिंग मोर देन टू पर्सन, अब दो से ज़्यादा के बीच में जब कंपेरिजन होती है देन वी विल यूज सुपरलेटिव डिग्री। अंडरस्टैंड, यहाँ तक समझ में आ गया आपको? हाँ, और एक और बात मैंने बताई थी, कंपेरेटिव डिग्री के बाद टी एच ए एन देन का यूज़ किया जाता है और सुपरलेटिव डिग्री से पहले टी एच ई द का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ तक आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम सीखेंगे कि हाउ वी फॉर्म कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज, बहुत ही सिंपल और बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स हैं इनके, आपको सभी रूल्स को ध्यान से सुनना है और वीडियो में बने रहना है, ये नहीं कि फटाफट से बस बंद हो गया, बोर होगी जी पढ़ के, पढ़ना सबको बोरिंग ही लगता है, बट वी हैव टू, हमें करना पड़ेगा ये, अदरवाइज हम अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। तो चलिए फॉर्मेशन ऑफ कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री को बनाना सीखेंगे हम। सबसे पहले हम करते हैं बाई, पहला रूल है एक सिंपल सा कि हम एडिंग करते हैं अपनी पॉजिटिव डिग्री में, पहली जो हमारी डिग्री होती है उसको पॉजिटिव बोलते हैं, पॉजिटिव डिग्री में हम ई आर या ई एस टी लगा के, ई आर लगाएंगे तो हमारी बन जाएगी कंपेरेटिव डिग्री और ई एस टी लगाएंगे तो हमारी बन जाएगी सुपरलेटिव डिग्री। अंडरस्टैंड? तो ये वर्ड हैं जिनसे हम, जिनके साथ हम ऐसा करेंगे, क्लेवर, रिच, स्ट्रॉन्ग, थिक, यंग, एल्डर और ओल्डर। ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कि ये एल्डर और ओल्डर क्या होते हैं, तो बने रहिए लास्ट तक मेरी वीडियो में, देखिए आगे। तो अब इसमें कैसे, जैसे एग्जांपल दे रहे हैं हम यंग का यंगर, और इसमें आपको याद रखना है कि सारी कंपेरेटिव डिग्रीज के आगे देन लगता है, बट यंगर एक ऐसा एक्सेप्शन है जिसके आगे हम प्रीपोजिशन टू को यूज़ करते हैं। अगर आपसे कोई छोटा है तो आप कहेंगे फलाना इज या डैश इज या मोहन इज यंगर टू मी, आपके छोटे बहन भाई को आप बता सकते हैं कि अपने बहन भाई का नाम लीजिए और बताइए दैट इज यंगर टू मी। अंडरस्टैंड? टॉलर है आपसे घर परिवार में जो भी कोई ज़्यादा लंबा है तो आप उससे अपनी तुलना कीजिए और कहें कि फलाना जो भी नाम है उसका डैश इज टॉलर देन मी, टॉलर के साथ यहाँ पर लग जाएगा टी एच ए एन देन, शॉर्टर के साथ भी टी एच ए एन देन, बाकी सब के साथ सुपर कंपेरेटिव डिग्री में देन का यूज होता है एक्सेप्ट यंगर, ये आपको याद रखना है। अंडरस्टैंड? नाउ सेकेंड रूल इज By adding IER or IEST. Second rule is by adding IER or IEST. अब आपने singular plural तो पढ़े ही होंगे जरूर, और अगर नहीं पढ़े हैं तो I have made a video for you. Go and see that video. I will give the link in description box also. तो आप I button देख सकते हैं ऊपर, और उस I button में दिख रहा है इस video का link. तो आप वहाँ जाइए और सीखिए कि जो वाई वाले वर्ड होते हैं उनका प्लूरल कैसे बनता है, वही नियम यहाँ पर लागू होगा। अब ईजी, ई ए एस वाई,
HAPPY, हैप्पी, लेजी, हैवी और वेल्दी। अब आप बताइए मुझे इनमें आई क्यों लगता है? EREST तो हमें समझ में आता है भाई, लगेगा क्योंकि कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाना है। लेकिन अब देखिए, अब इसको देखिए, अब इजी का बनेगा ईजियर, ईजीएस्ट। अब इसमें देखिए इजी में वाई था, बट ईजियर में ये वाई कहाँ चला गया? तो दिस इज अ रूल ऑफ ग्रामर। इसीलिए कहते हैं कि सारे कंसेप्ट एक दूसरे से जुड़े होते हैं ग्रामर में, आपको सारी नॉलेज होनी चाहिए। ESY, वाई से पहले क्या है? कॉन्सोनेंट है, तो वाई इज वीक और वाई इसमें हट जाएगा और उसकी जगह पर आ जाएगा आई। अंडरस्टैंड? तो आई आ गया और उसके बाद कंपैरेटिव बनाने के लिए हमने ER लगा दिया, ऐसे ही इसमें आई आ गया और हमने EST लगा दिया सुपरलेटिव बनाने के लिए। तो इन द सेम वे ऑल दिस विल चेंज। अंडरस्टैंड? यू ऑल, हैप्पी का क्या होगा? हैप्पियर, हैप्पियस्ट, लेजी, लेजियर, लेजियस्ट, हैवी, हैवियर, हैवियस्ट, वेल्दी, वेल्दियर, वेल्दियस्ट। अंडरस्टैंड? बट अब बताइए, ये भी वाई का ही रूल है जो सिंगुलर प्लूरल में भी लागू होता है, ग्रे और गे। अब इसमें देखिए लास्ट में वाई है ना, लास्ट में वाई है, बट बिफोर वाई इज देयर एनी कॉन्सोनेंट? क्या है यहाँ पर? हेयर इज वोवल, AEIOU, वोवल है। तो वोवल है तो क्या होगा? वाई विल नॉट रिमूव, वाई हटेगा ही नहीं, वाई हटेगा नहीं, तो सीधा सीधा बनेगा ER लगा देंगे और EST लगा देंगे, तो ये बन जाएगा ग्रे, ग्रेयर, ग्रेएस्ट। इसी तरह से आप गे का बना लेंगे, गे, गेयर, गेएस्ट। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? नाउ आर रूल नंबर 3, बाय एडिंग ओनली R और ST। अब ये कब लगाएंगे? जब हमारे वर्ड के पीछे ऑलरेडी ई होगा, तो डबल ई नहीं बनाना उसको, ई ऑलरेडी दे रखा है, शब्द में आया हुआ है, तो वी विल जस्ट एड R इन कंपैरेटिव डिग्री और ST इन सुपरलेटिव डिग्री। तो ब्रेव का क्या बन जाएगा? ब्रेवर, ब्रेवेस्ट। इन द सेम वे यू विल राइट दीज ऑल्सो, नोबल, प्योर, वाइज, नोबल, नोबलर, नोबलेस्ट, प्योर, प्योरर, प्योरेस्ट, वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट। नाउ रूल नंबर 4 इज कॉन्सोनेंट इज डबल्ड बिफोर एडिंग ER और EST। तो इसमें कब होगा ये डबल? द वर्ड एंड्स विद सिंगल कॉन्सोनेंट, जब कोई वर्ड जो है वो सिंगल कॉन्सोनेंट से ख़त्म होगा, कॉन्सोनेंट तो आपको पता है ना, वोवल के अलावा बाकी सभी जो लेटर्स होते हैं वो कॉन्सोनेंट कहलाते हैं, एंड हैज शॉर्ट वोवल बिफोर इट, यानी छोटी मात्रा वाला शब्द आगे होगा, तो इससे एक तो कॉन्सोनेंट हो लास्ट में, जैसे आप देखेंगे बिग, फैट, हॉट, थिन। अब इट मस्ट बी वन सिलेबल, सिलेबल क्या होता है? सिलेबल होता है जब हम बोलते हैं तो कितने पार्ट में बोला जाता है कोई वर्ड, जैसे आप बोल के देखिए बिग, अब ऐसे नहीं बोलेंगे बिग, तो एक ही पार्ट में एक साथ बोला जा रहा है सारा वर्ड, बिग, फैट, हॉट, थिन, तो ये वन सिलेबल वर्ड हैं। और सेकंड थिंग, इसके दूसरा रूल क्या है? लास्ट में कॉन्सोनेंट है और पहले जो है वो शॉर्ट वोवल है, छोटी मात्रा इसमें से सुनाई दे रही है, थिन, छोटी की मात्रा, हॉट, फैट, बिग। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? तो इस तरह के जो वर्ड होते हैं उनका जब हम सुपरलेटिव और कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं, देन वी ऐड बिग, बिगर और ER लगाते हैं, EST लगाते हैं, इससे पहले इनका जो लास्ट वर्ड होता है, लास्ट कॉन्सोनेंट होता है, वो डबल हो जाता है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी बिग, बिगर, बिगेस्ट, इसी तरह से वी विल मेक फैट, फैटर, फैटेस्ट, hot, hotter, hottest, thin, thinner, thinnest. But see, if the word is sweet, sweet, understand? Sweet में double E जो है वो long vowel है, लंबी मात्रा की आवाज़ आ रही है यहाँ पर, और उसके साथ consonant लगा है, तो इसमें हमारा जो double T है वो double नहीं होगा, इसका simple बनेगा sweeter, sweetest. तो I hope आपको समझ में आ गया होगा. Now come to the rule number 5. टू और मोर देन टू सिलेबल्स, अभी तक हमने वन सिलेबल की बात की थी जो एक झटके में बोले जाते हैं, ऐसे वर्ड की बात की थी, अब टू ऐसे वर्ड जिनमें या तो टू सिलेबल होते हैं या फिर टू से ज़्यादा सिलेबल्स होते हैं, जैसे एग्जांपल बोल के देखिए आप, ब्यूटीफुल,
ब्यूटीफुल में दो सिलेबल हैं, ब्यूटीफुल। डिफिकल्ट है ना, दो सिलेबल, डिफी अलग से बोला गया, कल्ट बाद में बोल रहे हैं हम। फेथफुल टू सिलेबल वर्ड। इम्पॉर्टेंट, अब इसमें देखिए आप थ्री सिलेबल, इम्पॉर्टेंट। इम वन सिलेबल, पोर टू सिलेबल, टेंट थर्ड सिलेबल। तो इस तरह से जब हमारे वर्ड में टू सिलेबल हों या मोर देन टू सिलेबल हों तो हम ऐसे वर्ड्स का, ऐसे एडजेक्टिव्स का सुपरलेटिव और कंपैरेटिव कैसे बनाएंगे, हम उनके आगे सिंपली ऐड करेंगे कंपैरेटिव डिग्री में मोर और सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट। अंडरस्टैंड? तो अब ब्यूटीफुल का अगर हमें बनाना है कंपैरेटिव डिग्री तो वी विल राइट मोर ब्यूटीफुल, और अगर हमें सुपरलेटिव बनाना है तो मोस्ट ब्यूटीफुल। ऐसे ही डिफिकल्ट का मोर डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट। मोर फेथफुल, मोस्ट फेथफुल। मोर इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट। अंडरस्टैंड? यस अंडरस्टैंड। नाउ सी आर सिक्स्थ रूल। अब सिक्स्थ रूल क्या है? सिक्स्थ रूल में सम एडजेक्टिव हैं दैट डोंट फॉलो रूल्स। ये एडजेक्टिव ऐसे हैं जो बिल्कुल ही एकदम से ढीठ हैं, किसी रूल को फॉलो नहीं करते, और हमें इन्हें क्या करना पड़ेगा, इन्हें तो हमें याद ही करना पड़ेगा। तो ये सब बच्चों को रिमेंबर होने चाहिए, और रिमेंबर करने के लिए जरूरी है कि आप इन्हें अच्छी तरह से समझ लें और इनको लिख लें अपनी नोटबुक में। जैसे वर्ड है बैड, बैड मीन्स क्या होता है, बुरा। लेकिन अगर कोई बुरे से भी ज़्यादा बुरा हो, हम दो व्यक्तियों की कंपैरिजन करें और उनमें से ज़्यादा बुरा कौन सा है, तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे वॉर्स, WORSE वॉर्स। एंड सुपरलेटिव डिग्री सबसे बुरा, तो इट इज़ कॉल्ड वर्स्ट, WORST वर्स्ट। फार, फारदर, फारदेस्ट। अब फार जो है अगर डिस्टेंस को दिखाता है, दूरी को दिखाता है, तो उसकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनेगी फारदर, फारदेस्ट। लेकिन अगर फार वर्ड पोजीशन को दिखाता है, भाई कोई चीज़ मेरे घर से इतनी दूरी पर स्थित है, तो दिखाएंगे फारदर, फारदेस्ट। लेकिन किसी चीज़ की पोजीशन दिखाता है, किसी की परिस्थिति, किसी की स्थिति दिखाता है कि कोई चीज़ कहाँ पर किस पोजीशन में है, तो दैट इज़, तब इसका डिग्री होंगी फर्दर और फर्देस्ट। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? गुड, बेटर, बेस्ट, आप इसको तो अच्छी तरह जानते होंगे। नाउ लेट, लेटर, लेटेस्ट। लेटेस्ट होता है टाइम के लिए, और अगर हम पोजीशन में दिखाएं कि भाई कौन किसके बाद खड़ा है, तो लेटर लास्ट, लेटर लास्ट होगा हमारी सुपरलेटिव डिग्री पोजीशन फॉर द लेट, लेट के लिए। लिटल, लिटल का क्या होगा, लेस, लीस्ट। मैनी, मैनी शो करता है नंबर्स को, भाई कितने ज़्यादा चीज़ें हैं, काउंटेबल के लिए यूज़ करते हैं मैनी। मैनी का होगा मोर, मोस्ट। और मच का भी हमारा कंपैरेटिव डिग्री होता है मोर और सुपरलेटिव होता है मस्ट, लेकिन मच जो है वो मात्रा, क्वांटिटी को दर्शाता है। नाउ नियर, नियरर, नियरेस्ट। ओल्ड, ओल्ड के ये दोनों हो सकते हैं, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट। ओल्ड मीन्स होता है पुराना, और ओल्ड मीन्स हो सकता है कोई आपसे एज में बड़ा है, तो उसको भी आप ओल्ड बोलेंगे। सुना होगा आपने ही इज़ 5 years old, तो ओल्ड मीन्स उम्र में बड़ा, और ये पुराना भी हो सकता है। लेकिन एल्डर हम कहाँ लगाएंगे, अब देखिए नीचे एक सेंटेंस है, राम इज़ ओल्डर या एल्डर देन मी। अब ये दोनों ही बातें सही हैं। अगर राम आपका सगा भाई है या, तो आप लगाएंगे एल्डर, ठीक है, फैमिली रिलेशंस को दिखाने के लिए, भाई आपके सगा भाई है और राम आपसे बड़ा है। आप इस सेंटेंस में बता रहे हैं कि राम इज़ एल्डर देन मी, ये हमारे सगे संबंध को दिखाता है। और अगर राम आपका दोस्त है या आपका कलीग है या फिर आपका क्लासमेट है और उसके साथ आप अपनी कंपैरिजन कर रहे हैं, तो फिर हम यूज़ करेंगे ओल्डर वर्ड को। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? आई होप आपको ये चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और आप, अब कोई भी ऐसा रूल नहीं बचा जो एडजेक्टिव्स डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन से रिलेटेड हो और मैंने ना बताया हो, तो मैंने सारा चैप्टर यहाँ पर अच्छी तरह से समझाया है। आप पूरे वीडियो को दोबारा से, अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा से ध्यान से देखिए और उसे सुनिए, नोट कीजिए। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल को जरूर, बेल आइकन, घंटे की, घंटे को जरूर दबाइए, उस घंटी से आपके पास मेरी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाएगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।